युधिष्ठिर ने पूछा, अरे अर्जुन तुम्हारे मुख कमल को क्या हुआ, ये लटका हुआ क्यों है? आंखों में आंसू भर करके श्री अर्जुन जी बोले, भैया हमारे सरकार धराधाम छोड़ करके चले गए। ओहो, सब रोने लगे, पांडव भी जो उत्तरा के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ था जिनका नाम परीक्षित जी था, परीक्षित जी को राजा बना करके पांडव भी चले गए। अब राजा हो गए महाराज परीक्षित। राज करते ही एक दिन भ्रमण करने को गए। आहाहा, भ्रमण करने गए तो एक काला पुरुष एक गाय को एक बैल को पीट रहा था। राजा नाराज हो गए, ए धूर्त सावधान, तुम गौ माता को मारते हो, तुम्हें पता नहीं ये वो गऊ हैं जिनके पीछे हमारे गोपाल भागे हैं, सावधान हो जाओ, हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। वो काला काला पुरुष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, सरकार हमें मत मारो। क्यों महाराज, मैं कलयुग हूं, कलयुग। तो राजा परीक्षित कहने लगे, तुम हमारे राज्य में कैसे आए, तुम्हें इजाजत किसने दी? कलयुग बोला, सरकार पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज्य है, संपूर्ण भूरी धरा पर आपका राज्य है, हम कहां जावे? तो राजा परीक्षित ने चार स्थान कलयुग को दिए। कितने स्थान दिए? चार। जरा ध्यान से सुनना, कौन कौन से स्थान दिए? राजा परीक्षित ने चार स्थान दिए, धूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। जाओ तुम्हें चार कमरे देते हैं। पहला कमरा कौन सा दिया? जहां पर जुआ खेला जाता हो, जिस घर के सदस्य जुआ खेलते हो वहां पर जाकर तुम निवास करो। कलयुग बोला जय हो। दूसरा पानम, जिस घर में पौआ पिया जाता हो, जिस घर के सदस्य पौआ पीते हो बेचते हो, जाओ कलयुग तुम वहां पर जाकर के निवास करो। तीसरा स्थान सुनिए, स्त्रिया सुना, जिस घर में लंपट स्त्री अथवा लंपट पुरुष रहते हो, जिस घर की स्त्रियां पर पुरुष का संग करती हैं अथवा जिस घर का पुरुष पर स्त्री का गमन करता है, ऐसे घर में जाकर के तुम निवास करो। चौथा स्थान, स्त्रिया सुना, जहां पर मांस भक्षण किया जाता हो, मांस बेचा जाता हो, जिस घर के सदस्य मांस खाते हो, कलयुग जाओ तुम उस घर में जाकर के निवास करो। कलयुग हाथ जोड़ के बोला, सरकार आपने जितने भी स्थान दिए सब खतरनाक, कम से कम एक बढ़िया तो दे दो, मकान चाहे जैसा हो पर बैठ का बढ़िया होना चाहिए, कम से कम रिश्तेदार आ जाएं तो बैठने की व्यवस्था तो ठीक ठाक हो, सोफा उफा डले हो, कमरा वीआईपी हो। अब आपने जितने भी कमरे दिए सब खतरनाक दिए, कहीं पौआ वाला दे दिया, कहीं मांस वाला दे, कोई अच्छा सा स्थान भी दो। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा भाई चिल्लाओ मत, सुनो पांचवा स्थान ले लो। कलयुग को पांचवा स्थान दिया स्वर्ण में, स्वर्ण यानी सोना गोल्ड, पांचवा स्थान स्वर्ण में दिया। देखो भाई जितने कथा सुन रहे हैं हम सबको सावधानी पूर्वक बता दें, सोने पर स्वर्ण पर कलयुग का वास है, तुम्हारे घर में जितना भी रखा हो कल चढ़ा देना। हाँ हम सब पचा लेंगे। और ध्यान देना, थोड़ा सा भी ना रह जाए वरना कलयुग चिपक जाएगा वहीं। कल ही परसों, ये तो विनोद की बात थी, हंसी की बात थी, सत्य बात यह है कौन से स्वर्ण में कलयुग का वास है, जरा सुनना। सभी सोने में कलयुग का वास नहीं है, उस स्वर्ण में कलयुग का वास है जो सोना भाई से झीना झपटी करके लिया गया हो, बंटवारे में छल पूर्वक लिया गया हो, चोरी करके लिया गया हो,
अथवा भूमि पर गिरा हुआ मिला हो, ऐसे स्वर्ण पर कलयुग का वास है। तब तो गांव में कहावत है, सोना गिरना भी बेकार है और स्वर्ण का मिलना भी बेकार है। परीक्षित जी घर आ गए, गाय से पूछने लगे तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा हम तो पृथ्वी हैं। बैल से पूछा तुम कौन हो, महाराज हम धर्म हैं। परीक्षित जी घर आए, एक दिन महाभारत का एक मुकुट दिखने में बड़ा सुंदर था, वो बलपूर्वक महाभारत में पांडवों ने उसे जीता था, वो सोने का मुकुट बड़ा अच्छा लगा तो परीक्षित जी ने वो धारण कर लिया। कलयुग को आज तक मौका नहीं मिला, आज परीक्षित जी के सिर पर बैठने का मौका मिल गया। आज तक परीक्षित जी शिकार खेलने नहीं गए, आज गए, शिकार तो मिला नहीं। एक महात्मा आंख मूंछ करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, उन महात्मा को ध्यान करते देखा समीक ऋषि को, तो नाराज हो गए, कलयुग का प्रभाव सिर पे पड़ गया मस्तक पर, हे बाबा झूठी समाधि लगाकर बैठ गया, पानी पिला। महात्मा तो ध्यान मग्न थे, कोई जवाब नहीं दिया। तो राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप महात्मा के गले में डाल दिया। महात्मा तो ध्यान में थे, कोई अता पता नहीं। समीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि, क्या नाम था, श्रृंगी ऋषि। पुत्र ने अपने पिता का अपमान देखा तो अंजलि में जल लेकर श्राप दे दिया कि जिसने भी हमारे पिता का ऐसा अपमान किया उसकी आज से ठीक सातवें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मृत्यु हो जाए। समीक ऋषि को बाद में पता लगा तो बड़े पछताए बेटा, वो बड़े धर्मात्मा थे, उन्हें मरने का श्राप नहीं देना चाहिए। राजा परीक्षित को खबर दी कि तुम्हें श्राप मिल गया, तो राजा परीक्षित जी ने घरबार छोड़ करके गंगा के किनारे स्थान ले लिया। बड़े बड़े महात्मा पधारे, राजा परीक्षित जी सबसे पूछते, महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए। किसी ने कोई उपाय बताया, किसी ने कोई उपाय। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और प्रणाम किया परीक्षित जी ने, तो प्रश्न किया, महाराज आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं। बोलो। एसाम संस्मरणात् पुंसां सत्या शुद्यन्ति वै ग्रह किं पुनर्दर्शन इस पर से पाद शौचा आशिना दिभि अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं योगिनां परमं गुरुं। आप योगियों के परम गुरु हैं। भगवान हमें श्राप मिली, सातवें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा, हम मर जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं, बस एक बात जानना चाहते, मृियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो इसको मरना है उसका कर्तव्य क्या है, बस ये बता दो। ध्यान से सुनना, बहुत अद्भुत कथा है महाराज, अगर बता ही रहे तो जरा विस्तार पूर्वक बता देना है आप। हे सुखदेव जी, योगियों के परम योगी नाम परमम गुरु, ये भी बता देना, सुनना क्या चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। महाराज भजन किसका करना चाहिए, जीव का कर्तव्य क्या है, आप जरा विस्तार। महाराज मैं निवेदन करूं, जिसकी मृत्यु सातवें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए, बस इतना बता। और ये प्रश्न राजा परीक्षित का नहीं है ना, ये हम सबका प्रश्न है, क्योंकि हमारी आपकी सबकी मृत्यु सात दिन के अंदर ही होती है, चाहे मंगलवार को मरो या बुधवार को,
गुरुवार को मरो या शुक्रवार को, मरना सात ही दिन के अंदर है। अब स्पेशल तुमने आठवां बना लिया हो तो राम जी जाने, बोलो सीताराम। मरना सात दिन के ही अंदर, तो मरणासन्न व्यक्ति का भगवान धर्म क्या है आप विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के प्रश्न सुनकर के बहुत प्रसन्न भई सुखदेव जी, और प्रथम श्लोक जो बोला ना वास शुरू किया, वरियाने ते कृष्ण क्रतो लोक हितो नृप आत्मविद संता पुंसा स्रोतव्या दिशुया परा। वाह राजन, क्या गजब के प्रश्न किए आपने। अब पहला अक्षर जो सुखदेव जी के मुख से निकला वो वाह अक्षर निकला, वाह। वरियाने सते प्रश्ना, वाह क्यों भाई? जो खाओगे वही निकलेगा। मूली खाओगे तो मूली की ही डकार आएगी, प्याज खाओगे तो प्याज की ही दुर्गंध आएगी। तो सुखदेव परमहंस हैं, पर आप सदैव ब्रह्म तत्व में लीन रहते, तो जो पहला अक्षर निकला वो वाह, और वाह ब्रह्म शब्द है, इसलिए पहला अक्षर ही ब्रह्म शब्द निकला सुखदेव जी के मुख से। राजन बड़े प्यारे प्रश्न किए। पहला प्रश्न क्या था? मरणासन्न प्राणी का कर्तव्य क्या है? राजन, मरणासन्न प्राणी का कर्तव्य है भगवान को पाना। महाराज दूसरा प्रश्न, किसका भजन करें? गोविंद का। महाराज जीवन में श्रवणीय क्या है? भगवान और संतों की कथा ही श्रवणीय है। और चौथा प्रश्न क्या था? जिसकी मृत्यु सातवें दिन निश्चित हो गई हो उसे क्या करना चाहिए? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले जिसकी मृत्यु सातवें दिन निश्चित हो गई हो, यानी हम हमारा आपका सबका प्रश्न है, जिसकी मृत्यु सातवें दिन निश्चित हो गई हो उसे हर पल गोविंद के गीत गा करके भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए।